मुक्तिधाम के निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने उठाई आवाज, समाजसेवी कविता पांडे ने किया समर्थन। वार्ड क्रमांक 8 चिलवा टोला में मई में मुक्तिधाम का भूमि पूजन किया गया था, पर अभी तक उस पर निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है। इस बात को लेकर वार्ड क्रमांक 8 में रहने वाले लोगों ने आपत्ति जताई है और समाजसेवी कविता पांडे ने उनका समर्थन कर शीघ्र मुक्तिधाम मनाने की मांग की है। ये जमीन किसकी है किसकी नहीं है ये नहीं मालूम है। आज कहा जा रहा है कि ये जमीन पट्टे की है, लेकिन उसमें अभी भी श्मशान घाट दर्ज है। वार्ड 8 चिलवा टोला विगत वर्ष महापौर द्वारा मई में मुक्ति धाम का भूमि पूजन किया गया था। ये बगल में पीछे जहां मैं खड़ी हूं उसके पीछे सरकारी जमीन है और उसके पीछे 48 डिसमिल के पीछे प्राइवेट लैंड है जो कि मरघट दर्ज है। कह रहा था कि मुक्ति धाम काफ़ी दिनों से चल रही है और अभी महापौर जी ने मई में भूमि पूजन किया था और भूमि पूजन के साथ पूरा परिवार खड़ा था, तो पूरा परिवार खड़े होने पर और सरकारी रकबा काफ़ी है उसमें, अभी सैनिक स्कूल का रकबा काफ़ी है उसमें बना दें, उनकी लैंड छोड़ दें, हमारा वो कहना नहीं है, सरकारी लैंड पे बना दे जो सैनिक स्कूल का रखो उसमें बना दे मुक्ति धाम बना दे। 8.5 लाख रुपए आया है उसका बजट का, भूमि पूजन हुई है, सब प्रक्रिया हो गई है, लास्ट बनाना है। वो कह रहे कि सेट बना रखा है, अपन लगाते कल ही से लगाते काम। समस्या यह है साहब कि नदी किनारे जलावा दे तो बूढ़ा आवा तो जाऊँ मारा हुआ वही जाए हो पचे चले जाए, और आज बूढ़ा आएगा कहाँ से लहासी धैरा का चार रो तैयार आज के न हो बहुत दिन के आए हैं कि आज हम हक लड़ रहे हैं और कई रोज आदमी धरी कहाँ ले जाई जलावे को जलावे दे अपने में जब मर घटाइया तो को जलावे नहीं दे अपन बनाए हैं बेचे के तैयारी लगाए हैं तो हम लोग का करेंगे। तो हम लोग यह चाहते कि हमारा हक न छीना जाए।